तो जो लोग भाई 220 लेने का सोच रहे हो थोड़ा रुक जाओ। तो भाई सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा। जस्ट कुछ ही दिन हुआ भाई मेरा 10K हुआ था ना, अभी 15K क्रॉस हो चुका है। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अभी सारा सामान वगैरह लेके निकल रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहा हूँ GoPro में मिलते हैं फिर बताते हैं। चलो फिर तो कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी जा रहे हैं बजाज के सर्विस सेंटर, बिकॉज इसका आज फर्स्ट सर्विसिंग है। तो शोरूम से बोला था कि फर्स्ट सर्विसिंग 600 to 700 के बीच में करवाना, तो अभी मेरा टोटल कितना हुआ 665। तो आज फ्री था भाई तो सोचा कि भाई आज ही करवा लेते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो, होप यू ऑल एक्सट्रीमली वेल। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 एंड भाई सर्विस सेंटर है नेपाली मंदिर में, जो बजाज का जो शोरूम है उसके ठीक पीछे ही है। एंड गाइस उड़ता खबर ये आया है कि बजाज का जो 220 जो है फाइनली BS6 लॉन्च होने वाला है। और कब होने वाला है तो कंफर्म किया गया है कि फरवरी 2020 को लॉन्च कर देगा बजाज 220 को। एंड उसका जो कुछ फीचर वगैरह है, मतलब कुछ जो चेंजेस जो हुआ है, बस उसका जो सामने का जो प्रोजेक्टर जो होगा वो LED के साथ आएगा इस बार। मतलब इस बार हेडलैम्प नहीं आएगा, इस बार LED आएगा। एंड बजाज इसको फ्यूल इंजेक्शन के साथ लॉन्च करेगा। एंड BS6 में आपको पावर थोड़ा कम दिखने को मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बस 0.5 का फर्क होगा भाई। तो जो लोग भाई 220 लेने का सोच रहे हो थोड़ा रुक जाओ, फरवरी तक वेट कर लो, BS6 ले लेना भाई, बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है। प्राइस का थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही, कम से कम 7-8 हज़ार का डिफरेंस आएगा। मतलब अभी का जो 220 है एंड उसमें 7-8 हज़ार का मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड अभी पहुंचने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के लिए अपने बाइक को लेके आ रहे हो तो साथ में जो आपको जो एक मैनुअल बुक जो दिया जाता है उसको साथ में लेके आना भाई। तो पहुंच चुके हैं नेपाली मंदिर। तो ये रहा बजाज का शोरूम, इसके ठीक पीछे ही है। बहुत छोटा स्पेस है भाई। सेवन हंड्रेड किलोमीटर। तोर की? माय गॉड, ये एरिया पूरा स्लिपी एरिया है भाई, पूरा डीजल मोबिल वगैरह नीचे गिरा हुआ है, पूरा स्लिपी है। पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। Maybe I'm just too tired to keep running. Maybe you কি মোবাইল টু ইয়াতে কোনটো ইউজ করে? বাজাজ টু হেৰি কৰে ন? শিবনাথ মোবাইল নম্বর টু 847। হ্যাঁ হ্যাঁ কি প্রবলেম আছিল? প্রবলেম তো মই কালি একবার আহিছিল, ক্লাচ টু পুরা টাইট হৈ গৈছিল একদম। এইটো হ্যান্ডেল বারৰ হেলমেল কিটা গুটে উলাই আহিছিল দুইটা। ক্লাচ টু হার্ড হৈ আছিল। অ ক্লাচ টু পুরা হার্ড হৈ আছিল, কালি ইয়াৰ পৰা আকৌ সলভ কৰি দিছে এইটো। तो भाई गाड़ी को मैंने वहाँ पे छोड़ के आया एंड अभी जा रहा हूँ सीधा घर, बिकॉज बाइक का डिलीवरी मुझे देगा 5 बजे। तो अभी मैं यहाँ से एक रैपिडो बुक करता हूँ एंड चलता हूँ सीधा घर। हाँ हाँ और OTP टू ना 6338। तो अपना भी आके पहुंच चुका है घर, तो चलो मिलते हैं 5 PM को।
सो अभी टाइम हो रहा है 4 PM एंड अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पहले कुछ खाने के लिए, बिकॉज़ घर में है नहीं कोई। सो यहाँ से पहले चलते भांगागढ़ की तरफ, वहाँ पे भार्गव बिरयानी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाएंगे, उसके बाद जाएंगे बजाज सर्विस सेंटर। तो आ रहे हैं अभी, एंड वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि भाई मेरा खर्चा कितना हुआ फर्स्ट सर्विसिंग में। एंड भाई चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो भाई। एंड उबर मोटो बुक किया है तो वो भी आ रहा है, वेट करते पे, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। The scars on my skin, you're the past I don't wanna erase. You're the words on my lips that have left, but I still seem to taste. Maybe I'm just too tired to keep lying. Maybe you're all I ever want. तो वहाँ पे पीछे बन रहा है बाइक्स, तो हो जाने पे मुझे बुला देगा तो बाहर आ जाएगा बाइक, और अभी तो फिलहाल हो ही गया है। हाँ हाँ ना कोड दे लगेगा ना। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट आया भाई यहाँ पे 470 rupees फर्स्ट सर्विसिंग का, 470 rupees। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी घर की तरफ। Since I found what I never went looking for, and now you're in my head. I must have lost my mind. There's an empty space beside me.